Hello students, how are you? Hope you are in good health and must be studying well. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब तक स्टूडेंट्स हमने सोल प्रोप्रेटरशिप के बारे में पढ़ा और अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्रेटरशिप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा। जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट्स, इन सोल प्रोप्रेटरशिप ओनर इज़ द ओनली पर्सन हु रन्स द एंटायर बिजनेस। वो अकेला ही अपने बिजनेस को चलाता है। ही अलोन फाइनेंसेस हिज ओन बिजनेस। उसके बिजनेस में उसी की ही कैपिटल लगी हुई होती है, किसी और की कैपिटल नहीं लगी हुई होती है। एंड ऑल एक्टिविटीज़ लाइक परचेज एक्टिविटी, लाइक सेल्स एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी या मैनेजरियल एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड लुक्ड आफ्टर बाय ओनली वन पर्सन, डैट इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, या जिसको हम सोल प्रोप्रेटर कहते हैं। बट इन टूडेज कम्पिटिटिव एनवायरमेंट, एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये सब कुछ पॉसिबल है? वो एक अकेला क्या क्या काम देखेगा? वो कितना फाइनेंस लगा लेगा? उसके फाइनेंसिंग की कैपेसिटी भी तो लिमिटेड ही होगी। वो कितना टाइम दे देगा अपने बिजनेस को? हाँ, अगर उसने कोई ग्रॉसरी की दुकान खोली हुई है तो ठीक है, वो अकेला उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर उसको इससे आगे निकलना है तो ही मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू कूप विद ऑल द डिमांड्स ऑफ प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड। वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए स्टूडेंट्स उसको ज़रूरत होती है एक पार्टनर की या दो पार्टनर की, जो अपनी कुछ कैपिटल भी लेके आए बिजनेस में लगाएं, जो बिजनेस में टाइम भी दे सकें और ऑल अदर एक्टिविटीज़ में भी उसको पार्टिसिपेट कर सकें। तो इट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा पर्संस मिलकर एक बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम उसको शेयर करेंगे, तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप की स्टूडेंट सिर्फ एक ही डेफिनेशन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द रिलेशंस बिटवीन पर्संस, ऐसे पर्संस का रिलेशंस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो गए हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके करेंगे उस बिजनेस को, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक भी अगर कर रहा है उन सबके बिहाफ पे, तो ऐसे बिजनेस को कहा जाएगा पार्टनरशिप। तो ये स्टूडेंट्स पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की है, तो इसलिए आपको ये तो लर्न करनी ही पड़ेगी एज इट इज़। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के लिए क्या सबसे ज़रूरी है? दो या दो से ज़्यादा पर्संस जो ये डिसाइड करें कि हम मिलके बिजनेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए साइलेंट है, वो ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करता। वो कहता है आप दो रख लो, पाँच रख लो, दस रख लो, मैक्सिमम अप टू 20 भी रख सकते हो, 20 से ज़्यादा मत रखो। इतना एडवाइजेबल भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 20 से ज़्यादा पार्टनर, वैसे तो 10 से ज़्यादा भी पार्टनर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पार्टनर हो रहे हैं तो आप बेटर है कि कंपनी खोल लीजिए। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा थोड़ा सा इस बारे में लिबरल है कि आप चलो मैक्सिमम अप टू 20 तक पार्टनर रख सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स, डेट इज़ बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। जो भी वो बिज़नेस करना चाहते हैं मिलकर, वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो या तीन बंदे मिलकर ये डिसाइड करें कि हम चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे और जो भी लूट का माल आएगा उसको हम इक्वल शेयर कर लेंगे। ये कोई लॉफुल बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। इसी तरह दो तीन लोग मिलकर अगर सोच लें कि हम स्मगलिंग करते हैं और स्मगलिंग के माल को जो हम बेचेंगे उसके प्रॉफिट को हम इक्वल शेयर करेंगे, तो ये ना तो लॉफुल बिजनेस है और ना ही ये पार्टनरशिप में आएगा। बट यस, देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर लॉयर्स, देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर डॉक्टर्स। ये लोग अपना मिलकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स या लॉयर्स की फर्म खोल सकते हैं, या कोई डॉक्टर्स अपना मिलकर नर्सिंग होम भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनमें भी पार्टनरशिप हो सकती है कि वो उसमें होने वाले प्रॉफिट्स या लॉस को शेयर करेंगे। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टूडेंट्स
पार्टनर्स के बीच में वर्बल भी हो सकता है, लेकिन वर्बल पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमेशा रिटन में होना चाहिए, क्योंकि अगर आगे कभी फ्यूचर में इन पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रेफ़र कर सकें। इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हो सकती होती हैं उनको रेफ़र किया जा सकता है। इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में स्टूडेंट्स हर पार्टनर को साइन करना चाहिए और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखना चाहिए और इसको रजिस्टर करवाना चाहिए और स्टैम्प लगवानी चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर में अगर इनमें डिस्प्यूट होता है या कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर को भी फॉलो करना है तो इस एग्रीमेंट में को रेफ़र किया जा सके। इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को स्टूडेंट्स हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रेफ़र करना है, क्योंकि इसी एग्रीमेंट के बेस पर ही आप पार्टनर्स को में प्रॉफिट या लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे वो इसी एग्रीमेंट के बेस पे किए जाएंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं फॉर मैनेजमेंट पर्पज़, मैनेजरियल इन्फॉर्मेशंस, और कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए होती हैं, जिसको हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। सबसे जो कॉमन इन्फॉर्मेशंस हैं डैट इज़ नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप कोई भी बनाओगे तो पार्टनरशिप फॉर्म का नाम तो लिखेंगे ही ना, इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म का एड्रेस क्या है। आप अगर दिल्ली में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कनॉट प्लेस से करेंगे, करोलबाग से करेंगे, तिलक नगर से करेंगे, तो उसका एड्रेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। नेचर, नेचर मीन्स आप क्या बिजनेस करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या होगा, आप शूज़ का बिजनेस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का करेंगे, कपड़ों का करेंगे, तो ये सब मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स और उनके एड्रेसेस। ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स मैनेजरियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। इस इन्फॉर्मेशंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसके अकाउंट्स बनाओगे, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो कौन कौन सी होती हैं। नंबर वन, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है ये इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। सेकेंडली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स मिलके ये डिसाइड करेंगे कि जिसने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देना है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टूडेंट्स जो भी पार्टनर बनता है, पार्टनर्स का काम है कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना। वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा तभी वो बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। इसके लिए वो बिजनेस को ऑब्लाइज नहीं कर रहा, इसके बदले में जो वो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको भी तो शेयर करेगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करना तो पार्टनर का काम है, लेकिन हाँ उस कैपिटल के अलावा एडिशन टू डैट कैपिटल अगर वो कुछ बिजनेस के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करता है एज ए लोन, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट उस पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज सैलरी टू पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर को सैलरी देनी है या सभी पार्टनर्स को सैलरी देनी है, ये भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज
कमीशन, जिस तरह के सैलरी है इसी तरह से अगर कमीशन भी किसी पार्टनर को देना है तो वो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस किस रेशो में शेयर होगा, वो डेट मस्ट बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये कुछ स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होने चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको हम बाद में समझ लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनके अंदर भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पार्टनरशिप अकाउंट तभी बना पाओगे जब आपके सामने ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपके हाथ में होगा। अगर आपके हाथ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो आप पार्टनरशिप के अकाउंट्स को नहीं बना पाओगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है कि सब इस पार्टनर्स मिलके बैठ जाएं और वर्बली डिसाइड कर लें कि क्या हमारा एग्रीमेंट होगा, बट हमेशा एडवाइजेबल यही होता है कि ये एग्रीमेंट हमेशा रिटन में होना चाहिए, सब पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए और ये रजिस्टर भी होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तब उस केस में क्या होगा? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, When there is no partnership deed, तब क्या होगा? Interest on capital नहीं दिया जाएगा। अगर partnership agreement नहीं है, partnership deed नहीं है, तो partners ने जितनी capital contribute करी है उसके ऊपर interest नहीं दिया जाएगा। इसी तरह interest on drawings, अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है कि अपने कैपिटल में से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मींस जो पार्टनर ने इन एडिशन टू कैपिटल अगर दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है इन एडिशन टू द कैपिटल, तो उसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह सैलरी टू पार्टनर्स, ये नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। इसी तरह कमीशन टू पार्टनर्स नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। नाउ अब आ जाइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इस पॉइंट को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पार्टनरशिप के अकाउंटिंग पार्ट्स की तरफ चलते हैं। इससे पहले की क्लास में स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट बना था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमने बनाई थी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमने अकाउंट्स वहाँ पे बनाए हैं, तो पार्टनरशिप में अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो क्या वो चेंज हो जाएंगे? जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर एप्लीकेबल थे, तो क्या पार्टनरशिप में वो चेंज हो जाएंगे? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही रहेंगे, हम सब कुछ काम वही करेंगे। यहाँ पे सिर्फ से एक बंदा था जो पूरे बिजनेस को चला रहा था, यहाँ पे एक की जगह दो हो गए, तीन हो गए, पाँच हो गए, सिर्फ इतना ही तो फ़र्क है। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग मेथड्स, जर्नल एंट्रीज बनाने का तरीका या लेजर बनाने का तरीका, ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फ़र्क सिर्फ से इतना है, यहाँ पे सिर्फ से एक पर्सन था, सोल प्रोप्राइटर था, यहाँ पे एक की जगह दो हैं या तीन हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता था वो उस एक पर्सन का होता था, अब क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उन पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा।
तो आप देखिए, जब सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और यहाँ पे सेल लिखते हैं, और हमारा निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं अच्छा बताइए, जैसे कि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से। ये ऐसा एक्सपेंस है जो आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, ये आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह के और कौन से एक्सपेंसेस हैं, आपने अगर गोडाउन रेंट पे लिया हुआ है या ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो हमें रेंट देना ही है। सिमिलरली इंश्योरेंस, अगर गोडाउन का इंश्योरेंस किया हुआ है, गुड्स का इंश्योरेंस किया हुआ है, तो वो देना ही है इंश्योरेंस, इररिस्पेक्टिव वेदर देयर इज एनी प्रॉफिट और नॉट। सिमिलरली गवर्नमेंट टैक्सेस, ये भी देने ही होते हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैनेजर्स कमीशन। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस पर अगर इंटरेस्ट दिया जाता है उस पार्टनर को, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इन सारे एक्सपेंसेस को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, क्योंकि ये सब वो एक्सपेंसेस हैं कि कंपनी में बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सारे एक्सपेंसेस तो इनकर होंगे ही होंगे। सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी, अगर लॉकडाउन पीरियड भी आ गया तब भी सैलरी देनी है, रेंट भी देना है, इंश्योरेंस भी देना है, टैक्सेस भी देना है, मैनेजर कमीशन अगर डिसाइडेड है तो वो भी देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद निकाला जाता है नेट प्रॉफिट। यहां तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत अच्छे से किया है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में स्टूडेंट्स, ये जो नेट प्रॉफिट है टोटली ओनर का होता था, उसकी कैपिटल में जुड़ जाता था, जिसको हम बैलेंस शीट्स में कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ये जो नेट प्रॉफिट है, ये डेट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं तो दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीन पार्टनर्स हैं तो तीन में होगा, और किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको करने, उसके लिए आपको सबसे पहले पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रेफर करना पड़ेगा। कुछ भी काम करने से पहले आपको मांगना है, मेरे को पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिखा दो क्या है, उसके बेस पे ही काम होगा। अगर वो कहते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं, तब तो बहुत आसान काम हो गया, ये सब चीज़ें तो देनी ही नहीं है। क्या देना है, सिर्फ से 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना, तब तो काम बहुत आसान हो जाता है इनकेस देर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स में यहाँ तक कुछ भी नहीं करना होगा, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, इसके आगे का काम आपने करना है ना। कितना आसान काम, ना तो आपको लेजर अकाउंट्स बनाने, ना जनरल एंट्रीज बनाने, ना फाइनल अकाउंट्स बनाने, आपको नेट प्रॉफिट से आगे पार्टनर्स के बीच में उनकी कैपिटल में क्या अमाउंट कंट्रीब्यूट होगा, क्या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम एक P&L अकाउंट बनाते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको एक और नाम दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट या P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट। ये जो P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनेगा स्टूडेंट्स, हमारे नेट प्रॉफिट निकलने के बाद बनेगा, और इस P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में सिर्फ से वही फिगर्स आएंगी जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। यहाँ पे हमारा काम शुरू होगा, नेट प्रॉफिट ये निकला होगा हमारा, नेट प्रॉफिट को अब हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में। द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इसको हम P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट या P&L
डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट साइड में स्टूडेंट्स कुछ और आइटम्स भी आ सकते हैं अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में उन बातों का जिक्र किया है, जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को देना है तो वो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसी तरह किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है या कमीशन देना है तो वो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर किसी पार्टनर से चार्ज करना है, अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ करी है और उस पर अगर फर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट, तो उसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, ये पार्टनर के लिए नुकसान है लेकिन फर्म के लिए इनकम है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट आपने ध्यान रखना है हमेशा नेट प्रॉफिट निकलने के बाद ही बनेगा, और इनकेस फर्म में अगर नेट प्रॉफिट है तभी पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में ना तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, आपको इसके आगे का काम करना है, इसके आगे जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है आपको उसका काम करना है। कभी कभी क्या होता है, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, नेट प्रॉफिट के साथ में अगर वो दे देता है सैलरी अभी रह गई है देना, किसी स्टाफ को सैलरी देनी रह गई है या मैनेजर को कमीशन देना अभी रह गया या इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर से चार्ज किया वो अभी रह गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है जो आपको नेट प्रॉफिट की फिगर दी हुई है वो इनकरेक्ट है। अगर नेट प्रॉफिट में से कोई सैलरी स्टाफ को नहीं दी या माइनस ही नहीं हुआ तो नेट प्रॉफिट कैसे निकल गया? अगर नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन ये अगर नहीं माइनस हुआ तो नेट प्रॉफिट कैसे निकला? तो आपने सबसे पहले क्या कहना है कि पहले नेट प्रॉफिट की फिगर को सही करके लो, और अगर आप अगर फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं पार्टनरशिप्स के तो पहले नेट प्रॉफिट को पहले करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है, उसमें से इनमें से कोई भी अगर आइटम्स है तो उसको माइनस करना है, और उसके बाद जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, उसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए अभी हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं इसको अभी रब करता हूं और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इलस्ट्रेशन लेके आता हूं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है, देखते हैं आपको इसमें से कितना समझ में आता है। इलस्ट्रेशंस कुछ इस तरह से है, अनिल प्रेजेंट्स द फॉलोइंग पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट टू हिज पार्टनर विश्वास। दो पार्टनर हैं, अनिल और विश्वास हैं, इनके बीच में नो पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, जो भी कुछ है वर्बल है, और अनिल ने पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट बना लिया है, जो इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट था वो उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। विश्वास को लगता है कि अनिल ने जो अप्रोप्रिएशंस अकाउंट है ये ठीक नहीं बनाया है, और वो आपके पास लेके आया है बीइंग एन ऑडिटर कि आप इसको चेक करिए और बताइए कि इसने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया। आपने सबसे पहले क्या देखना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है तो उसको दिखाओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशंस उसी के हिसाब से बनेगा। इस केस में देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अनिल कैपिटल अकाउंट सैलरी, विश्वास कैपिटल अकाउंट सैलरी, अनिल ने क्या किया हुआ है, सैलरी भी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनिल एंड विश्वास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन, और उसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया। आप इसको देखिए और सोचिए कि ये क्या अप्रोप्रिएशंस अकाउंट ठीक बना हुआ या नहीं बना हुआ। स्टूडेंट्स इसमें एक भी एंट्री सही नहीं है, अनिल ने ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट बिल्कुल गलत बनाया है, इवन नेट प्रॉफिट की जो ये फिगर है 2,94,000 ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अभी हमने उसको डिस्कस किया था, और दिस अमाउंट शुड बी डिडक्टेड बिफोर अराइविंग एट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तभी निकलेगा जब उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस किया जाएगा, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट की फिगर ही गलत है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि नेट प्रॉफिट को सही निकालें, इसके लिए हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट 2,94,000,
यहां पे क्या डेबिट करेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है ये? 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज जब आप 2,94,000 में से माइनस कर देंगे तब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। अब देखिए, अब एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या आया? नेट प्रॉफिट इज 2,82,000। ये जो नेट प्रॉफिट निकला ये करेक्ट नेट प्रॉफिट है। ये ट्रांसफर होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस अकाउंट अमंग द पार्टनर्स। तो अब हम करेक्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया अभी? नेट प्रॉफिट हमारा आया है 2,82,000। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एंट्री देखिए, अनिल कैपिटल अकाउंट सैलरी। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। ना तो अनिल को क्या सैलरी मिलेगी, ना विश्वास को सैलरी मिलेगी। इसी तरह जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो अनिल ने क्या किया हुआ है? कैपिटल सैलरी भी दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम एक्शन ले चुके हैं हमने पी एंड एल अकाउंट बना के। इसके बाद इसमें दिखाया है प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनिल एंड विश्वास अकाउंट में, ये क्या किस रेशो में किया है? 5:7 की रेशो में। अगेन फिर से रिमाइंड करिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब है यहाँ पे? नहीं है। प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर होगा, तो इसका मतलब ये एंटायर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत है। इसमें एक भी एंट्री सही नहीं है, 100% इनकरेक्ट। हमने निकाला नेट प्रॉफिट 282, इसी को ही आप शेयर कर देंगे बस, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनिल के अकाउंट में कितना जाएगा और विश्वास के अकाउंट में यह आ गया 1,41,000 दोनों के अकाउंट में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? है ना कितना आसान? आपने सिर्फ से जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है, पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है, और अगर है तो हमें सामने दिखा दो, हम उसके हिसाब से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। ये सब चीजें हो सकता है ठीक हो जाती अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता, तो अब नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आज थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को हमने ज़्यादा अच्छे से समझा है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को और अच्छे से समझेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस तरह से शो होगा उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसके थ्योरिटिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।